बहुत गर्मी है यार। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा आप लोगों को बता होगा कि मैं कुरुक्षेत्र में रुक गया था, क्योंकि आगे का माहौल पता नहीं था और रात बहुत हो चुकी थी। हवेली नाम के एक होटल में रुका हुआ था, हाईवे के जस्ट साइड में ही है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, हालत खराब है। एनीवेज गुड़गांव जा रहा हूँ आज भाई के घर, जो कि है यहाँ से कुछ 220 किलोमीटर दूर। कल का दिन तो बहुत खराब था, आज के प्लान में रहेगा बस वहाँ पहुँचना है और गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। फिलहाल के लिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम जयदीप एंड यू वॉचिंग गोवा ब्लॉग्स। एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये यारो होटल हवेली जहाँ मैं रूम लेकर रुका हुआ था। थैंक यू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 और टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि 50 डिग्री है। 50 डिग्री तो नहीं होगी बट गर्मी बहुत है। फिर से लोड अप हो चुका हूँ यार और मैंने लगा लिया अपना सेकेंडरी फोन। ये यार कल तक कहीं बैग में छुपा हुआ था। कल बिना फोन के चलाने में एक्सपीरियंस तो मजा आया पर काफी वाट भी लगी। एनीवेज अभी गुड़गांव को बचे हुए 190 किलोमीटर, दिखा रहा है 4 घंटा 15 मिनट लगेगा। एक साल बाद में अपने भाई से मिलने वाला हूँ पर भाई के घर घुसते ही फिर से वापस निकल जाना पड़ेगा गाड़ी को सर्विस कराने, क्योंकि इसको चलना है और आगे बैंगलोर तक। तो यहाँ से आप करनाल 27 किलोमीटर, पानीपत 59 किलोमीटर। पानीपत के जस्ट आगे आएगा KMT रोड, सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्रेसवे है जो कि डायरेक्ट गुड़गांव तक लीड करती है और वही पहुँचाएगी आज मुझे घर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर लद्दाख सीरीज का ये पहला वीडियो देख रहे हो देन डू चेक आउट दी होल सीरीज, क्योंकि बहुत मजे की है हम लोगों ने। और हम लोगों ने बोले तो आज मैं सोलो हूँ पर लद्दाख की एंटायर ट्रिप में मेरे साथ थे 3 लोग। शुरुआत हुई थी टोटल 5 लोगों से, फिर बचे 4 और अभी बचे हैं 3 मेरे को मिला के। तो हमने बहुत मज़े किए हैं फुल ट्रिप में। तो डू चेक आउट दी एंटायर सीरीज। करनाल में आगे चल रहा है कुछ ना कुछ किस्सा, बोले तो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, डिफेंस के बहुत सारे ट्रूप्स आके वहाँ पे बैठे हुए हैं। करनाल में नेटवर्क भी जाम था पिछले 4 दिनों से। कल अगर मुझे नहीं पता चलता करनाल के बारे में तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है अगर मैं आगे जाके फंस जाता। वही तो BMW जा रही है आगे। अलग सीन चल रहा है, NH44 पे रॉन्ग में मार रहे इधर पे लोग, बताइए क्या चल रहा है। पानीपत के लिए बचे मेरे और 25 किलोमीटर। स्ट्रेट चिकनी चौड़ी सी हाईवे है, आराम से चलाते रहना बस। ओके यहाँ से कुछ ना, आधे रास्ते बंद करके रखे हैं टोल के। तो ये आ गए हम लोग पानीपत जलंधर। अभी बचे हैं और 34 किलोमीटर टू KMT रोड। अगेन प्लेन स्मूथ हाईवे बट बीच बीच में ये छोटे छोटे सिटीज आ जा रहे हैं जिसकी वजह से यार थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह मिल रहा है। तो नथिंग टू बॉदरसम आई वुड से, थोड़ा लेट आओगे तो गंदी ट्रैफिक मिल जाएगी। लग रहा है यार लंबा फंस गया मैं, भाई साहब बहुत ट्रैफिक है और ये पूरे ट्रैफिक को लीड करते हुए हमारी मैडम जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। शाबाश शाबाश, एक गलती और आपके ट्रैवल टाइम में ऐड हो जाएंगे 45 मिनट एटलीस्ट। इस रोड का मेन हाईवे पे एंट्री कहाँ से होगा? आगे ये 5 किलोमीटर चलोगे ना। आपने जाना कहाँ है? मेरे को गुड़गांव जाना है। निकल तो सीधा 5 किलोमीटर है। हाँ। ऐसे फ्लाई ओवर दिखेगा उसके नीचे को निकल जाना बिल्कुल सीधा। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सर। बैंगलोर के लिए आ गए मेरे को तो। बस बैंगलोर में लोगों का ट्रैफिक सेंस थोड़ा ठीक है, यहाँ पे वो खराब है। देखते हैं कहाँ से यार आगे हाईवे पकड़ाता। बाप रे बाप, ये क्या हरकत थी। फाइनली यार 20 से 25 मिनट हो गए। तो पानीपत शायद आप लोगों ने सबसे डिटेल्स में देखा यार ट्रैफिक के साथ। अभी बढ़ रहा हूँ मैं KMT रोड के एंट्रेंस की तरफ। काफी ब्यूटीफुल सा हाईवे है यार, दोनों तरफ ग्रीनरी है। तो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है, वो जो गर्माहट थी ना कुरुक्षेत्र से लेके जो मैं आगे बढ़ रहा था वो थोड़ी सी हट गई है। अरे बाप रे बाप। तो यहाँ से गुड़गांव का डिस्टेंस बचा हुआ है यार 88 किलोमीटर एंड द रोड इज गोइंग सुपर सुपर स्मूथ। आराम से एक्सेलरेटर मोड़ के बस भूल जाने का है। खाली एक ही चीज ध्यान रखना है, इस हाईवे पे यार अब तक के सबसे ज्यादा डेड बॉडीज मुझे दिखे हैं डॉगीज के, बहुत खराब लगता है पर क्या कर सकते हैं, बस उसी से यार थोड़ा संभल संभल के चलाना है, बाकी सड़क एकदम मक्खन है।
यहाँ थोड़ा सा रुके, हाइड्रेशन ब्रेक मार लेते हैं क्या, गन्ने का जूस भी मिल रहा। यहाँ पे लिया यारो एक क्विक हाइड्रेशन ब्रेक, बहुत ही ज्यादा जरूरी, स्पेशली जब आप एक बाइक राइड पे हो। पिया एक एक्स्ट्रा लार्ज गन्ने का जूस, मजेदार। अभी टाइम हो रहा है 10:15 और मेरे बचे हुए 73 किलोमीटर तो घुड़ गए। मस्त किलोमीटर खींच सकते हो यार, इस हाईवे पे कोई सीन नहीं है किलोमीटर खींचने का। ये क्या हो रहा है, यूर वन वे वन रखा है। एनीवेज लास्ट 70 किलोमीटर टू गो। ये जितने भी आपको ट्रक दिख रहे हैं ये सब प्रोटेस्ट वाले हैं, जहाँ तक देख के लग रहा है यार। तो ये जा रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए और हम जा रहे हैं घर। ओ भाई ये वन वे कितने देर तक चलता है अभी देखते हैं। आई थिंक यहाँ से हो गया है वन वे खत्म, वापस से चालू हो गया स्पीड रन। स्पीड रन बोले तो यार एक इकोनॉमिक स्पीड, बोले तो क्रूजिंग स्पीड। ऐसा नहीं कि भगा देनी है पूरी 150-160 पे, आराम आराम से 100-110 क्रूज करते रहो। बढ़िया मक्खन सड़क है, आराम से पहुँच जाओ। पहुँचे 55 किलोमीटर। ये जो पीछे आपने देखा यार वो था यार प्रोटेस्ट चल रही है यार, किसानों की अभी भी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मारा मारी चल रही है बहुत ज्यादा। जितने भी आपको बगल में घर दिख रहे हैं सारे के सारे किसानों ने टेंट गाड़ रखे हैं और यहीं पे ही सेटल्ड है प्रोटेस्ट के नाम पे। तो इसीलिए हाईवे का पूरा एक लेन ही ब्लॉक है। 6-7 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और ये अभी भी चल रहा है, हाईवे ही ब्लॉक कर रखा है। इधर तो यार सीमेंटेड घर भी बना दिया है। अभी बचे यार गुड़गांव तक 38 किलोमीटर्स और हम आ गए हैं आई शवाश ऑफ रोड्स की तरफ। अभी लद्दाख से आए हैं तो कंसंट्रेशन के लिए अभी चैंट करेंगे ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे हम। अच्छा हुआ कल रात में मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था, वरना यहाँ तक मैं पहुँचता यार रात के 12-12:30 के आसपास और वाट लग जानी थी यार यहाँ पे चलाने में। फुल कोई गाँव गाँव के बीच में से निकाल रहे हैं, लेना है राइट खेत खलियानों के बीच में से। क्या बात है, क्या बात है, थोड़ी ठंडक आए बस। गांव के रास्ते हो गए हैं खत्म, बस जाने मिल जाए। ये देखो फोन पे बता रहे हैं चीचा, अरे चल लो। ये है हमारा स्वतंत्र सेनानी राव किशन लाल मार्ग। बाप रे बहुत लंबा नाम, खींचते हैं आखिरी के चंद बैक अगेन ऑन अ नैरो रोड बट मच ग्रीनर एंड मच बेटर रोड। आप गूगल मैप्स में देखो वाटर बॉडी से ही भरा हुआ है, इस तरफ खेत है और इस तरफ एक कैनाल चल रहा है, मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वाह, इस रोड का नाम है धर्मपुर मेन रोड और यहाँ हमें चलाने 7 किलोमीटर। थोड़ा सा यही सीन है कि एक कार ही जा सकती है पूरे लेन में। बाकी इधर देखो फुल वाटर बॉडी, ब्यूटीफुल ना, मजा आ रहा है इस रोड पे चलाने में भी। क्या गजब का नजारा है, इस तरफ भी वाटर बॉडी उस तरफ भी वाटर बॉडी। रास्ते से सांप क्रॉस कर रहा था और वो दूर से देख के लगा यार पानी पड़ा हुआ, फिर वो हिलने लगा। ओ भाई 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 सांप वाप से बड़ा डर लगता है यार मेरे को। बाय द ब्रिज हरियाणा वेलकम्स यू। बड़े बड़े बिल्डिंगों के नजारे भी हो गए चालू एंड वेलकम टू द कंक्रीट सिटी। भाई साहब खाली बड़े बड़े अपार्टमेंट देख रहे हैं, अभी पहुंचे भी नहीं है, पहुंचने वाले हैं। दहशत गर्मी और दहशत ट्रैफिक, ये 5 किलोमीटर ने पूरा डिहाइड्रेट कर दिया यार। यहाँ एकदम ट्रैफिक सेंस नहीं है यार, कोई भी कहीं भी चलाता और अभी जस्ट मैच विद एवरीवन स्टाइल में भी वैसे ही चला रहा। अब क्या करें यार, आगे तो जाना है, कभी कभी करना पड़ता है। अब देखो फंस गए चीचा। अरे भाई हाँ सब एक साथ एक ही जगह पे एक ही लेन में घुस जाओ, बहुत अजीब ट्रैफिक है यहाँ का।
तो यार मैं पहुंच गया हूं अभी भाई भाभी के घर, और गुड़गांव के ट्रैफिक के लिए बस एक ही चीज, वर्ड्स नहीं है मेरे पास बस। आते आते हालत खराब हो गई, 170 किलोमीटर चलाने में मुझे लगे थे यार 2.5 घंटे के आसपास, और 10 किलोमीटर चलाने में लग गए 45 मिनट। एनी यू फाइनली यहाँ आ गया हूँ। ये मेरी भाभी अंकिता भाग रही है, और मेरा भाई बिजी है, एक साल बाद आया हूँ मैं, लेकिन भाई ऑफिस के काम पे बिजी है, पेट पल रहा है, इसी से ही तो करना पड़ता है, समझ सकता हूँ, उसी के लिए मैं भी भाग रहा हूँ वापस बैंगलोर। फिलहाल के लिए चलता हूँ यार, नीचे आप लोगों से बातें होंगी आगे। पास में ही मिला है यहाँ पे, 3 किलोमीटर दूर एक गराज है जहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो गया, हल्की फुल्की मरम्मत भी करवा लूँगा, जैसे ब्रेक शू हो गया और कुछ नट बोल्ट वगैरह लूज हुए होंगे। तो चलते हैं वापस काम पे, मिलता हूँ मैं आपसे बाइक पे। बंडा इसी ने, हाँ तो भाई मेरे को बेसमेंट से लेके मेरे गाड़ी के पास तक कार में छोड़ने आया था बड़े भाई। एनीवेज फिलहाल के लिए यार जा रहा हूँ गराज की तरफ, चल चुकी है गाड़ी हमारी 4,500 किलोमीटर, और देखो क्या हाल है यार, ये सब मेरा ये मोटी लेयर है मिट्टी होगी, और ये सब हिमाचल के रास्ते में हुआ है, पूरी छनछना गई है गाड़ी, कहीं ना कहीं तो बोल्ट लूज हुआ है। तो अभी भाई गाड़ी सामने चला रहा है, तो ऑनेस्टली बोलूँगा तो मैं यार थोड़ा आराम से चलाऊँगा अभी नहीं उड़ाने का है, अभी सही टाइम नहीं है, अभी एकदम कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल करना है। वॉश हो जाएगी क्या अभी? हाँ जी, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, 10 दिन पहले ही सर्विस हुई है, फिर से इंजन ऑयल चेंज करना है, ब्रेक पैड। अरे भाई साहब, चलो तुरंत से कर देते हैं ये। बाइक तो मिल गई यार चमचमाती हुई, इधर कराई MD ऑटोमोबाइल्स पे हुई है सर्विस, एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, चलते हैं। यहाँ सर्विस कराने का एक्सपीरियंस एकदम अच्छा नहीं रहा यार, हो तो गया काम, हमने दी थी दोपहर के 1:30 बजे, और अभी हो रहे हैं शाम के 7, और अभी तक गाड़ी का कोई अता पता नहीं था, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ यार। प्लस यार वो बंदा जिसको गाड़ी दी थी वो फोन भी नहीं उठा रहा था, डर सा लग गया था एक सेकंड के लिए, और हम लोग को यार ये डर, समझ रहे हो ना यार, बाइक हमारा प्यार है। यहाँ बैठा है मेरा भाई, ये है मेरी भाभी की गाड़ी, भाभी बोली मुझे दिखा दे मेरा भाई ये गाड़ी भी तो भाई अभी इस गाड़ी में आया। एनीवेज यार अभी वापस जा रहे हैं, आज का व्लॉग यार यही गुड़गांव की बिल्डिंग्स के बीच में खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं यार मिलता हूँ आपसे डे 14 के व्लॉग में, पर मैं निकल रहा हूँ सागर की तरफ, राइड होगी 12 घंटे की ऑन दी हाईवे, तो आज करूंगा रेस्ट भाई के घर पे, कल निकलता हूँ और मिलता हूँ आपसे रोड पे, कल करते हैं आगे की ट्रिप की बातें। फिलहाल के लिए पीस आउट एंड चाओ यू फ्रेंड्स।